हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम चैट जीपीटी को यूज करेंगे। चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जिससे आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसका कोई एंड नहीं है। ये हर क्वेश्चन को आपको एक जवाब, इसको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा। आप चाहे किसी भी टर्म्स से रिलेटेड इससे क्वेश्चन करेंगे, इसका जवाब ये आपका अवश्य देगा, और वो भी एक बहुत ही बेहतरीन जवाब देगा। इसका कोई एंड नहीं है, इतने बेहतरीन तरीके से ये आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा कि आप देख के चौंक जाएंगे कि ये कितना अमेजिंग टूल है। चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको यूज करना चाहते हैं, आपको जो भी आपको इश्यूज हैं, आपके प्रॉब्लम है, ये हर प्रॉब्लम को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने के लिए ये टूल बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं इसका आप यूज कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अपना कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेता हूं और यहां पे लिखूंगा चैट जीपीटी। इसके बाद आपको एक लिंक दिखाई देगा, फर्स्ट वाला, चैट जीपीटी ऑप्टिमाइजिंग लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। ये एक ओपन एआई का टूल है। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं नीचे है ट्राई जीपीटी, इस पे आपको क्लिक करना है। अब आप इस स्क्रीन पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहां पे आपको दिखाई देगा वेलकम टू चैट जीपीटी। यहां पे आप अगर पहले से यूजर हैं इसके तो आप यहां पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अगर आप यूजर नहीं है तो यहां पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। यहां पे साइन अप पे क्लिक मैं कर देता हूं, फर्स्ट टाइम यूजर। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे आप अपना ईमेल एड्रेस डाल के और कंटिन्यू करके भी आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और आप यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करके भी अपना अकाउंट बना सकते हैं, कंटिन्यू विद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट करके भी आप अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो कंटिन्यू विद गूगल करूंगा मैं, मेरे पास जीमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन है तो मैं कंटिन्यू विद गूगल करूंगा। कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद मैं इस मेल आईडी से अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। ये यहाँ पे अब मेरा कनेक्शन चेक करेगा और इस प्रकार से देखिए फर्स्ट स्क्रीन आएगी टेल अस अबाउट यू, कि आपके बारे में आप बताएं। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम सेकंड नेम ये ऑलरेडी खुद से ले लेगा जो आपके जीमेल आईडी में प्रोवाइड है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपके मोबाइल नंबर पे एक कोड जाएगा और ये आपके फोन नंबर को वेरीफाई करेगा। तो मैं यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सेंड कोड वाया एसएमएस पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद यह आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक कोड सेंड कर देगा। अब मैं यहाँ पे अपने जो टेक्स्ट कोड आया है मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं और ये खुद से वेरीफाई कर देगा। और वेरीफाई करने के बाद आपके सामने चैट जीपीटी का जो डैशबोर्ड है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे यूज कैसे करना है, आप यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पे देखिए, आपको डार्क मोड चाहिए तो इस प्रकार से आप डार्क मोड कर सकते हैं, आपको लाइट मोड चाहिए तो लाइट मोड में कन्वर्ट कर दें। और लॉग आउट करने के लिए है ओपन, इन दो ऑप्शन का बाद में मैं आपको बताऊंगा, पहले अपना जो मेन इसका यूज है वो यूज मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप ये जो नीचे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपका जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पे पुट करेंगे। चलिए मैं इस यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हु आर यू, यानी चैट जीपीटी से पूछता हूँ हु आर यू, आप कौन हो। ये देखिए मैंने, तो इसने इसका आंसर दिया है, आई एम अ चैट जीपीटी अ लैंग्वेज मॉडल डेवलपमेंट बाय ओपन एआई, आई एम अ डिजाइन टू अंडरस्टैंड एंड रेस्पॉन्ड टू टेक्स्ट बेस्ड इनपुट, इज देयर समथिंग स्पेसिफिक यू वुड लाइक टू नो और टॉक अबाउट। तो इसने बताया है कि एक ओपन एआई है और इसको डिजाइन और इसलिए किया गया है कि टेक्स्ट बेस जो इनपुट है उसका आंसर कर सके। तो आप जो भी इससे पूछना चाहे वो ये पूछ सकते हैं, आपका जो भी क्वेश्चन है। चलिए मैं इससे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ के बताता हूँ कि पीएम ऑफ इंडिया। तो देखिए इसने भी इसका आंसर कर दिया पीएम ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर जो 2021 के अकॉर्डिंग जो डाटा इसके ऊपर उपलब्ध है उस अनुसार इसने जो आंसर प्रोवाइड किया है, उसने कहा है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी, ही हैज बीन इन ऑफिस सिंस भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एंड द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आरएसएस से, ही वाज री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर इन द 2019 इंडियन जनरल इलेक्शन।
तो ये इसका आंसर था। अब बात करते हैं क्या ये अपन को हिंदी में भी रिस्पॉन्स करता है क्या चैट जीपीटी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या आपको हिंदी आती है। तो देखिए इसने इसका आंसर कर दिया बहुत ही शानदार तरीके से, हाँ मैं हिंदी भी समझ सकता हूँ और हिंदी में भी जवाब दे सकता हूँ, आप क्या पूछना चाहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ने देखा है कि किस प्रकार से अपन चैट जीपीटी का यूज करते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।